अगस्टा वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मिशेल के पकड़े जाने से एक परिवार की नींद उड़ी हुई। अगस्टा वेस्टलैंड केस को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का हाथ मिशेल के बचाव में साथ। बीजेपी ने कहा राजदार मिशेल के भारत आने से एक परिवार की नींद उड़ी। आज संबित पात्रा का आरोप, बिचौलिए मिशेल को बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरी टीम लगाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी मिशेल को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा, जोसेफ के अलावा केरल के कांग्रेस नेता चित्रा मधु के बेटे विष्णु शंकर भी मिशेल के वकील हैं। संबित पात्रा ने कहा बिचौलिए मिशेल के आने से कांग्रेस पार्टी चिंतित है। अगस्टा वेस्टलैंड केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को बचाने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा मिशेल को बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरी टीम लगा रखी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केरल के कांग्रेस नेता चित्रा मधु के बेटे विष्णु शंकर भी मिशेल के वकील हैं। बहुत अफरा तफरी के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने जो ड्रामा किया है, कंप्लीट कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन मिशेल के पीछे बचाव की मुद्रा में खड़ी है। फैमिली है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी चलाती है, वो फैमिली को नींद नहीं आ रही है जब से क्रिश्चियन मिशेल भारत लाया गया है। और इसलिए उन्होंने अपने पॉइंट्समैन को बतौर वकील क्रिश्चियन मिशेल को डिफेंड करने के लगाया है। विष्णु शंकर, हु इज विष्णु शंकर, कुल्लाम के रहने वाले हैं इनके पिताश्री, और ये केपीसीसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ये केरला के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं चित्तरा मधु, और उनके सुपुत्र का नाम है विष्णु शंकर, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी ने कहा मिशेल के सभी वकील कांग्रेस के सदस्य हैं। संबित पात्रा ने कहा मिशेल का केस लड़ने वाले जोसेफ को पार्टी से निकालना सिर्फ दिखावा है। अगस्टा केस में मिशेल को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। मिशेल को अन्य आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके लिए बाकी आरोपियों को भी समन भेजा जाएगा। अगस्टा वेस्टलैंड केस में सीबीआई की कार्रवाई तेज, बिचौलिए मिशेल की पैरवी करने पर कांग्रेस की किरकिरी। सीबीआई हेडक्वार्टर में बिचौलिए मिशेल और बाकी आरोपियों की आमने सामने पूछताछ होगी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बाकी आरोपियों से पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के अलावा पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी और गौतम खेतान भी आरोपी हैं। 12 हेलीकॉप्टर्स की डील के लिए मिशेल पर 295 करोड़ की घूस का आरोप है। आरोपी मिशेल को 5 दिन की सीबीआई रिमांड, कोर्ट में पैरवी करने पर जोसेफ को कांग्रेस से निकाला। अगस्टा वेस्टलैंड केस में सीबीआई जल्द ही बाकी आरोपियों को समन जारी करके पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बाकी आरोपियों के साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ करेगी। वहीं बिचौलिए मिशेल की कोर्ट में पैरवी पर कांग्रेस की किरकिरी हुई। कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस नेता और वकील एलजो के जोसेफ को पार्टी से निकाल दिया है। So I have discharged only my duty as a lawyer and it is nothing to do with Congress. My Congress and my relation with Congress is separate and my profession is separate. देखिए उसके वकील भी कांग्रेस के निकले, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जिस जेंटलमैन का प्रत्यार्पण हुआ है उन्होंने लगातार ये बयान दिए हैं कि मुझ पर सरकार और सत्ता पक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि मैं सोनिया जी और उनके परिवार के सदस्यों का नाम लूं। आरोपी क्रिश्चियन मिशेल 5 दिन की सीबीआई रिमांड में है। मिशेल को प्रत्यर्पण के बाद दुबई से भारत लाया गया। मिशेल के प्रत्यर्पण से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आरोप है कि मिशेल को 12 हेलीकॉप्टर्स के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए 295 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई।